आपने कभी देश के जवानों को डिस्पैच होते देखा है? शुद्ध हिंदी में बोले तो भैया ट्रेनिंग पे जाते हुए। नहीं देखा तो भैया शुरू से देखते हैं। तो भैया ट्रेन से उतरे थे हम मुजफ्फरपुर और जा रहे थे एआरओ की तरफ। ये जो नौजवान लड़का देख रहे हैं ना आगे आगे व्हाइट शर्ट में, इसी का डिस्पैच होने वाला है। और ये टावर तो आपको पता ही होगा, मुजफ्फरपुर का फेमस टावर है। फिलहाल अभी कोई काम का नहीं है। और ये रास्ता कैसे भूल सकते हैं भैया, सुबह सुबह जब चक्कर मैदान की ओर जा रहे थे, याद है कि नहीं भैया? हमको तो सब याद है। फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं एआरओ और मेरा दोस्त गया अंदर। अब बाहर में ही हम सबको इंतजार करना था 3-4 घंटा। घर से बिछाने के लिए कुछ लाए भी नहीं थे, तो फिर दोबारा स्टेशन आए। स्टेशन पे से हमने 30 रुपया में एक पन्नी खरीदा, फिर वापस आके बिछाया और 3-4 घंटा हमने वहीं बाहर में इंतजार किया। अब शाम के 5 बज चुके थे और सब लोग निकलने वाले थे और हम एकदम रेडी थे भागने के लिए, क्योंकि भैया वो निकलेंगे और भागते हुए स्टेशन जाएंगे। और ट्रेन थी इन लोगों की पवन एक्सप्रेस, जो कि 5:15 पे आती। तो 5:05 पे इन लोगों को छोड़ा गया और एकदम दौड़ते हुए भैया निकले। अब इनके साथ भैया हमको भी दौड़ना पड़ा। इनके जो गार्जियन थे, जितने भी लोग थे यहाँ आए थे, सब लोग को इनके पीछे पीछे इनका बैग था, ट्रॉली था, जो भी सामान था, सब लेके जो है दौड़ते दौड़ते भैया किसी तरह पहुंचे स्टेशन।